धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बार बार नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, बार बार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, उसके क्या माने हैं, आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से निशाना बनाया जा रहा है, और तब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से और नए नए तरीके के ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हैं नफ़रत फैलाने के लिए। AMU अब एक सिंबल बन गया है। बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे, खबर के तीन हिस्से होंगे। पहले हिस्से में समझने की कोशिश करेंगे कि जब से मोदी सरकार आई है या योगी सरकार आई है किस तरीके से कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। दूसरे हिस्से में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों निशाना बनाया जा रहा है, और तीसरे हिस्से में निशाना बनाने के पीछे असल सोच है क्या। इन सारे पहलुओं पर जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और सारे पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एडिटर डॉक्टर अब्दुलसलाम सिद्दीकी। चलते हैं पहले उनसे और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो है सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटी, एक अलीगढ़ और एक दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया को भी आप ले लें तो ये गिने चुने जो है दो यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के नाम से, यानी इसके साथ इस्लामिया और मुस्लिम जो है जुड़ा हुआ है। हालांकि ये गलत फहमी है लोगों को कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या ये इस्लामी यूनिवर्सिटी है। ये जो है UGC के अंडर काम करती है, UGC फंड देती है और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी, ठीक है। अब आ जाइए कि इस यूनिवर्सिटी का जो है मतलब तनाज़ा क्या है, यानी जो हमारी मौजूदा मोदी सरकार है या योगी सरकार है इसका क्या संबंध है और क्या कंट्रोवर्सीज है जी। तो देखिए, एक तो मोदी का मतलब यह है कि अगर BJP कहेंगे तो इनका BJP का जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंट्रोवर्सी बहुत पुराना है। यूनिवर्सिटी से नहीं, मुस्लिम हो से। हाँ, मुस्लिम से ही। नहीं, वो मुस्लिम की वजह से है। हाँ। ऐसा है ना, जो हाँ। हिंदुओं में भी गलत फहमी है, जो हमारे हिंदू वो हैं वो ये समझते हैं कि ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो जैसे आम यूनिवर्सिटी है ना, एजेंडा है ना पूरा ऐसा। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके कुछ अपने वो हैं, कल्चर हैं, कुछ जाबते हैं, कुछ अपना जो है इन्वायरमेंट है अपना, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही हैं जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी, तमाम कोर्सेज वैसे ही हैं जैसे ही चलते हैं, पूरा प्रोसीजर सब कुछ वही है, एडमिशन का, हॉस्टल का, तकर्रुरी का, अपॉइंटमेंट्स का, सिलेक्शन कमेटी का, सब सेम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरह है। अब आ जाइए कि मोदी सरकार का ने जो है मोदी सरकार का क्या संबंध है और इन्होंने क्या काम किया आने के बाद जो है क्या किया। सबसे पहले ये कि जो माइनॉरिटी स्टेटस का मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये बहुत पुराना है जी, ठीक है। और ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद जो है 2006 में ये सुप्रीम कोर्ट में आया। तो 2006 में जो है उस वक्त के मनमोहन सरकार ने, जो HRD मिनिस्टर था, उन्होंने जो है अपनी तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया जो कहा जाता है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस के फेवर में था। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि हाँ, अकलियतों का जो है माइनॉरिटी स्टेटस अल्पसंख्यकों का संस्थान है ये जी, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब मोदी साहब आए, इन्होंने क्या किया, मोदी सरकार ने जो है सबसे आते ही सबसे पहले जो है वो जो एफिडेविट दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस ले लिया और ये बयान दे दिया कि ये यूनिवर्सिटी जो है माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है और इसको माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और नया हलफनामा दे भी दिया इस बात का। और उसके बाद जो है इस पे डिबेट भी हुए, मतलब ये मामला मीडिया में छाया रहा। डिबेट तो देखिए भंपू मीडिया है, वो तो क्रिएट किए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद, करीब साल डेढ़ साल दो साल के बाद ही जो है एक नया मामला सामने आया। वहाँ RSS के जो है किसी कार्यकर्ता ने, कारकुन ने जो है, वहाँ के लोकल कारकुन ने, इत्तेफाक से वो मुस्लिम ही है, मुसलमान ही है, उसने जो है वहाँ के रजिस्ट्रार से जो है, वाइस चांसलर से,
वहाँ और यूनिवर्सिटी में जो है शाखा लगाने की परमिशन मांगी, आरएसएस की जो शाखा लगती है, आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है शाखा। इसे मैं अगर दो नंबर दूं, पहला नंबर के बिल्कुल दर्जा खत्म करने के लिए हलफनामा देना, और दूसरा नंबर आरएसएस की शाखा लगाने दो नंबर पे रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, दो दूसरा ही नंबर है सही में, दूसरा ठीक है, दूसरे अटैक हुआ और उसके यानी उसको जो है यूनिवर्सिटी ने जो है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। अब आ जाइए, वो मामला भी चला मीडिया में, ठीक है, परमिशन नहीं दिया और मुसलमानों को वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त है, मुसलमान वहाँ रमज़ान में जो है ठीक है कंटीन बंद रहती है, तो क्या ये मतलब इस तरह के जो है मामले फैलाए गए कि ठीक है ठीक है कि वो सरासर जो है पूरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दूसरा हुआ ये, तीसरा क्या है जी? तीसरा ये है यानी दो तीन महीने के बाद ही जो है वहाँ के जो एमपी हैं, सांसद हैं, सतीश कुमार गौतम जो है, उसने जो है एक लेटर लिख करके जो है सनसनी फैला दी कि यहाँ जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में, जो है जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है उसे हटाया जाना चाहिए। जिन्ना की तस्वीर को लेके बवाल काटना शुरू कर दिया और उसको इतना यानी गर्मा दिया, इतना गर्मा दिया कि वहाँ जो है यानी तोड़फोड़ हो गई, मारपीट हो गई, मारपीट में कई तलबा जख्मी हो गए, ठीक है, और वो कई जबरदस्त यानी बवाल खड़ा हो गया, कुल मिला के एक लेटर जारी किया और हालात से गुजरना पड़ा यूनिवर्सिटी को। और अभी चौथा आगे क्या है हमारे पास? हाँ, और अब चौथा ये है के नेशनल एससी एसटी कमीशन के चेयरमैन हैं रामशंकर कठारिया, ठीक है, जो आगरा से सांसद हैं, उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी को लेटर लिख करके जो है जवाब मांगा कि यूनिवर्सिटी जो है एससी एसटी छात्रों को जो है रिजर्वेशन अल्टीमेटम दे दिया, क्यों नहीं दे रही? एक महीने का अल्टीमेटम दे दिया, जी, एक महीने में जवाब मांगा, ठीक है। तो ये चार कंट्रोवर्सी हुई, चार कंट्रोवर्सी हुई। अब इसके साथ मैं कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और हर हमले के बाद पूरा एक इवेंट क्रिएट किया जाता है। ये एससीएसटी कमीशन के जो चेयरमैन है मिस्टर कठेरिया साहब, ये अभी क्यों जागे? जी, साल से चेयरमैन है, योगी के बयान देने के बाद इनका जमीर क्यों जागा? इन्हें क्यों एहसास हुआ कि यहाँ पे एससीएसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? ऐसा है ना, एक सवाल सर। दूसरी चीज, सतीश गौतम के लेटर लिखने के बाद कहा गया कि जिन्ना की तस्वीर अंदर है, बवाल मचाया गया, ये सब होता गया? ये लोग प्लान वे में क्रिएट करते हैं हंगामा ड्रामा सब कुछ, ये क्या है ये? जी जी, ये प्लान वे में ही है। ऐसा है ना, जो मुद्दे हैं इन्हें पता है यूनिवर्सिटी में के मतलब क्या कमजोरियां हैं और क्या क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं, तो वो मुद्दे जो है सीरियल वाइज इन्होंने नोट कर रखे हैं। जब एक फेल हो जाता है तो दूसरा उठाते हैं, दूसरा फेल हो जाता है तो तीसरा उठाते हैं, तीसरा फेल हो जाता है तो चौथा उठाते हैं। अब ये देखिए, ये जो मुद्दा है ये रिजर्वेशन का, आप देख रहे हैं 2019 का चुनाव आने वाला है, अच्छा अब इससे कुछ होने जा रहा नहीं है, ये जो भी कवायद कर लें, अच्छा एक मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जेरे गौर है मामला जो माइनॉरिटी स्टेटस का, एक महीने का अल्टीमेटम देने का मतलब क्या बनता है तुम्हारा भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला है? मामला है। और अभी क्यों जागे हो यार, सवा चार साल बाद क्यों जाग रहे हो? एक और भी देखिए, जब तक ये मामला यानी माइनॉरिटी स्टेटस जब तक क्लियर नहीं हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तब तक वहाँ रिजर्वेशन फर्दर जो है स्टेटस को है वहाँ पे कोई हुक्म लागू ही नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि पूरा इवेंट कैसे मीडिया में क्रिएट किया जा रहा है, ये पूरा बाकायदा सोचे समझे तरीके से होता है। आदित्यनाथ योगी का एक बयान आया, उसके बाद एससीएसटी कमीशन जो है वो ऐसे बिल्कुल सरकर्दा हो गया, पूछिए मत, वो झंडे गाड़ने लगा वहाँ जाके, अभी तक कहाँ थे भाई सवा चार साल से, क्यों हो रहा है ऐसा? ये चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि फूलपुर गोरखपुर कैराना और नूरपुर में जो हार मिली है और जो बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समाज एक साथ आया है उसको लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है, क्योंकि उनमें आपस में टकराव पैदा किया जाए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, उसी को लेकर ये पूरा का पूरा उनके बीच नहीं, नहीं, अगर इनको रिजर्वेशन ही दिलाना था दलितों को मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में तो शुरू से बात करते हैं, पार्लियामेंट से पास कर देते भाई, पार्लियामेंट से पास कर देते, कौन रोक रहा था आपको? बड़ी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, कर देते पार्लियामेंट से, लेकिन करना नहीं है। अच्छा मैं एक चीज अब ये समझना चाहता हूँ छोटी सी आपसे, क्या आपको नहीं लगता पहले पाकिस्तानी हो, फिर बांग्लादेश, ये बांग्लादेशी है, फिर भारत माता की जय के नारे नहीं लगा रहा है, वंदे मातरम नहीं गा रहा, कुछ सिंबल नहीं गढ़ लिए हैं, बिल्कुल तिरंगा नहीं फहरा रहे हैं, बिल्कुल अब उसी तरीके का एक नया सिंबल क्रिएट कर दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको टारगेट करेंगे, मुसलमान को टारगेट करना आसान होगा, इनके नाम पे आसान है ना।
देखिए वो जो जो मुद्दे ये उठाते हैं, मैंने बताया ये सिर्वल वाइज, ये तो हमने एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हवाला दिया, इसी तरह इन्होंने जो है पूरे मुल्क में जो मुस्लिम मुद्दे हैं, मतलब इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं, वो भी बाकायदा सीरियल वाइज इन्होंने लिस्ट बना रखी है। कर्नाटक में वो तो टिप्पू सुल्तान, और जब एक फेल हो जाता है तो दूसरे मुद्दे उठाते हैं। नहीं नहीं, कर्नाटक में हो तो बात करो क्या नाम टिप्पू सुल्तान की, केरला में चले जाओ तो बात करो कुछ और, ठीक है, तो बंगाल में जाओ तो वहाँ मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करो, वहाँ बांग्लादेशी की बात, घुसपैठिए की बात, ममता बनर्जी को ममता बेगम लिखो, ठीक है, कैसे महिलाओं को, खैर लेकिन वही है। तो ये सीधा सीधा सा एक प्रोपेगेंडा ही लगता है इसमें, क्योंकि अभी कुछ होगा नहीं जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा है और कन्फ्यूजन लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश है, और उसका सिर्फ इसका एक मकसद है 2019। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ अपने अल्फाज को, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना और नूरपुर में जो कुछ हुआ है उसे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई हैं। आप सोचिए उनको 2014 में 31% वोट मिला है सिर्फ, और 31% वोट मिलने से अगर आप देखेंगे 16-17% उन लोगों ने वोट दिया है जिनको लगता था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन तो आए नहीं है साहब, जिनके अच्छे दिन आए हैं वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, या जो 12वीं पास हैं वो देश के मंत्री बन जा रहे हैं, अच्छे दिन जिनके आए हैं, हालांकि उनकी डिग्री पर सवाल खुद पर भी है, जो विदेश में घूम रहे हैं उनकी डिग्री पर भी सवाल खड़े हो गए, तो अच्छे दिन कुछ खास लोगों के आए हैं, उन लोगों के नहीं आए जिन लोगों ने तवक्को की थी, यानी कि उनके पास वो 13-14% वोट है, अपने साथ जुड़े उस 16-17% वोट को बचाने के लिए ही पूरी हलचल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन बनते हुए दिख रहा है और दलित बहुजन समाज और पिछड़ा एक साथ आते हुए दिखाई दे रहा है, उससे चूल्हे हिल रही हैं। चूल्हे क्यों हिल रही हैं आपको बता दूं, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 221 विधायकों की सरकार चलाने वाले कल्याण सिंह ने सरकार का भंग कर दिया और जिम्मेदारी ली कि मेरे दौर में सरकार गिरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। घमंड में चूर थे, उनको लगता था कि जो भावनाएँ हैं लोगों की, जो उन्माद है वो उफान पे है, और अगर चुनाव कराया गया 6 महीने के अंदर तो 350 सीटें आएगी, लेकिन हश्र कितना बुरा हुआ, सरकार चली गई, 6 महीने बाद ही चुनाव हुआ, और पहली बार मुलायम सिंह और मायावती ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई, क्यों, क्योंकि मुसलमान पिछड़ा और जो बहुजन समाज के लोग थे उन्होंने एक साथ होकर वोट दिया, और वही उनको हश्र दिखाई दे रहा है 2019 में कि नफरतें कितनी भी उफान पर ले आए उनका वो फार्मूला नहीं चल पाएगा अगर ये वोट एक साथ रहा तो। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।